नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल पे हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं हमेशा की तरह पहले आपको याद दिला दूं हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता अधिकार। तो चलिए बच्चे, मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से उपभोक्ता को सुरक्षा दी जाए, ये आपने समझा। संगठन बना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत, क्या क्या बातें थी, व्यवस्था थी, ये सब कुछ सीखा आपने। त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र भी सीखा उपभोक्ता के लिए। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए क्या चाहिए। ठीक है, सरकार सब कुछ कर रही है पर आप भी तो कुछ करोगे, तो आपको भी तो जागरूक होना है। तो बच्चे हमारा अगला पॉइंट है, जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए हम क्या करें। जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें, बनने के लिए आवश्यक बातें, क्लियर है। चलिए बच्चे, तो सीखते हैं कि आखिर जागरूक जागरूकता बनने के लिए आवश्यक बातें क्या हैं। तो बच्चे जरा समझते हैं। मान लीजिए कि हमें ही बाजार दिया गया, बाजार जाने के लिए कहा गया कि जाओ कोई सामान लेकर आओ। अगर हम बाजार जाते हैं वस्तु खरीदने के लिए, तो क्या हम सचेत होते हैं कि क्या ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। कभी हम ऐसे भी तो चले जाते हैं, हाँ भाई वो दे दो, और लेकर चले आते हैं, केयर तो नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि पहले वस्तु और सेवा खरीदते वक्त अपने अधिकार के प्रति सचेत रहें। पहला पॉइंट बच्चे, वस्तु एवं सेवा लेते वक्त अपने अधिकार के प्रति सचेत रहें कि क्या ले रहे हैं और क्या नहीं ले रहे हैं। पूरी बात समझ में आई, ठीक है। अच्छे और बुरे का फर्क भी हमें समझना है, अच्छे बुरे का फर्क समझें। अगर मान लीजिए मुझे कोई उत्पाद लेना है और तरह तरह के, वो एक ही उत्पाद को तरह तरह के ब्रांड और कंपनी में दिखा दे, लोकल दिखा दे, चाहे वो बाहर की कंपनी दिखा दे, तो कम से कम हमें इतनी समझ तो होनी चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा है और कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए बुरा है। बच्चे याद रखिए, मैंने आपको ये भी सिखाया था कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो जीवन और परिसंपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। तो याद रखिएगा बच्चे कि पहले हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहेंगे, अच्छे और बुरे उत्पाद में पहले फर्क समझेंगे, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद हमें और क्या होना चाहिए कि जो सबसे अच्छा हो, मतलब जो श्रेष्ठ हो। तो श्रेष्ठ चुनने में हमें सक्षम भी तो होना चाहिए बच्चे। मान लीजिए अगर हमें किसी चीज की जानकारी नहीं है, तो हमें क्या पता कौन सी चीज अच्छी और कौन सी चीज बुरी है। तो याद रखिएगा कि हमें कम से कम इतनी समझ होनी चाहिए कि हम श्रेष्ठ वस्तु को चुनने के लिए क्या हो, सक्षम हो, समझदार हो, क्लियर है। इसका मतलब है कि जब हम ये सब कुछ चीज को जानेंगे, तभी तो हम जागरूक भी होंगे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमें जागरूक उपभोक्ता भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप पहले से किसी तरह की कोई वस्तु और सेवा का उपयोग कर रहे हैं, तो आप में इतनी जागरूकता तो होनी चाहिए कि कौन सी वस्तु सही है और कौन सी वस्तु सही नहीं है। इसका मतलब है आप में जागरूक उपभोक्ता के भी गुण होने चाहिए, क्लियर है। अच्छा याद रखिए, इसके लिए क्या होना चाहिए, आप में निपुणता हो और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत भी होगी। याद रखिएगा, इसके लिए आप में क्या होनी चाहिए, निपुणता हो एवं ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत भी हो, ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत हो कि कौन सा उत्पाद अच्छा है और कौन सा उत्पाद बुरा है। इसका मतलब आप में निपुणता भी हो और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत भी होती है, समझ में आया। अच्छा, और वैसे मैंने कहा था कि कोपरा अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकार को विभाग बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस बात को याद रखिएगा कि केंद्र एवं राज्य ने इसके लिए विभाग भी बनाया है। केंद्र एवं राज्य ने क्या किया है, विभाग भी बनाया है, विभाग भी बनाया है। और ये विभाग किसके तहत बना है बच्चे, तो मैंने आपको बताया था ना कि ये विभाग जो है कोपड़ा के तहत। याद रखिएगा,
कि कोपड़ा 1986 में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था उसके तहत ये व्यवस्था पूरी की गई थी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी इसके लिए क्या करेंगे, तरह तरह के विभाग बनाएंगे। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो चलिए, हमें ये तो पता चला कि जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए क्या क्या आवश्यक बातें हैं। अच्छा चलिए, तो इतना तो हम बन गए कि हम जागरूक उपभोक्ता हो गए, लेकिन उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में तो हमने कोई बात नहीं की। तो जरा बच्चे समझते हैं कि उपभोक्ता आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाना है या आगे बढ़ेगी तो क्या चीजें होंगी। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो चलिए, हमारा अगला पॉइंट होगा उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में। पहले ये पूरी बात समझ गया, मैं मिटाऊं बच्चे इसे? ठीक है चलिए, तो अब समझते हैं उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में क्या बातें होनी चाहिए। एक एक पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेंगे बच्चे। याद रखिएगा, किसी भी तरह का प्रश्न होगा आप आराम से प्रश्नों को जज कर सकते हैं और आंसर बना सकते हैं, आपको थोड़ा भी परेशान नहीं होना है। बस जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरी बात को अच्छे से कहानी की तरह सुनेंगे और खुद को मजबूत करेंगे बच्चे। पूरी बात समझ में आई? तो चलिए, हमारा अगला पॉइंट है उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में। यहां सभी बच्चे क्लियर करेंगे, उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में। बच्चे जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1960 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन तेज हो गई थी और 1970 में इसमें लेखनी और प्रदर्शन भी होने लगे थे। याद रखिएगा, भारत सरकार ने 24 दिसंबर को भारत में उपभोक्ता दिवस मनाना शुरू किया है। याद रखेंगे बच्चे, 24 दिसंबर क्या है? उपभोक्ता दिवस। क्या है बच्चे? 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस। तो इस बात को याद रखिएगा कि हम देख सकते हैं कि भारत सरकार ने किस तरीके से 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाने की पहल की है। यही हमारा उपभोक्ता दिवस है। और याद रखिएगा, इसी दिन बच्चे 1986 में, याद रखेंगे कि इसी दिन 1986 में संसद ने इस कानून को लागू किया था। याद रखिएगा बच्चे, जैसा मैंने अभी आपको क्या बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, तो याद रखिएगा कि 24 दिसंबर को ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में संसद ने क्या किया था? लागू किया था। इसीलिए 24 दिसंबर को हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता दिवस कहते हैं। इसके बाद याद रखिएगा कि आज देश में 700 से भी अधिक बच्चे ऐसी उपभोक्ता संरक्षण संगठन है। याद रखिएगा कि आज देश में 700 से ज्यादा उपभोक्ता संगठन है। देख सकते हैं बच्चे आंदोलन कितनी तेज हुई है कि आज हमारे देश में 700 से भी ज्यादा उपभोक्ता संगठन है, लेकिन केवल 20 से 25 संगठन ही। याद रखिएगा बच्चे, 700 से अधिक है लेकिन देखा जाए तो 20 से 25 ही क्या है? पूर्ण संगठित एवं मान्यता प्राप्त हैं। पूर्ण संगठित एवं मान्य है। इसका मतलब हो गया कि अभी भी हमारे पास ऐसी संस्थाओं की क्या है? कमी है। कहने को देश में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, बस इसमें 20 से 25 संगठन ही जो है वो पूरे तरीके से संगठित है और मान्यता क्या है? प्राप्त है। इसका मतलब है कि उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। याद रखिएगा बच्चे कि उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया हमारे यहां क्या है? बहुत ही जटिल है। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल है।
जैसे बच्चे लंबे समय तक ये केस चलता रहेगा, याद रखिएगा कि उपभोक्ता की ये जो हमारी यहाँ प्रक्रिया है, निवारण प्रक्रिया बहुत ही क्या है, जटिल है, ये लंबी खर्चीली और याद रखिएगा समय लेने वाली है। याद रखेंगे कि एक तो ये प्रक्रिया क्या है, बहुत ही बच्चे क्या है, खर्चीली है, खर्चीली होने के साथ साथ क्या है, बहुत ही समय लेगी, क्लियर है, और बहुत ही क्या है, जटिल है। तो याद रखिएगा ये प्रक्रिया जटिल है, जटिल के साथ समय साध्य है, समय साध्य का मतलब है बच्चे बहुत ही समय लेने वाली है, समय साध्य है एवं क्या है बच्चे, खर्चीली है। तो हमने ये देखा कि उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जो है हमारे यहाँ, एक तो बहुत ही समय साध्य है यानी लंबा समय लेती है, और बच्चे लंबा समय लेगी तो जाहिर है वो खर्चीली भी होगी, और खर्चीली होने के साथ साथ क्या होती है, जटिल हो जाती है। क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर कभी कभी देखा गया है कि बच्चे मौजूदा कानून भी स्पष्ट नहीं है। याद रखिएगा कि क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर जो हमारा मौजूदा कानून है वो भी क्या है, स्पष्ट नहीं है बच्चे। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि 25 वर्ष के बाद भी देखा गया है तो उपभोक्ता ज्ञान धीरे धीरे फैल रहा है, सबको उपभोक्ता ज्ञान नहीं है। तो एक तो प्रक्रिया जटिल है, उपभोक्ता ज्ञान भी क्या है, धीरे धीरे फैल रहा है, और श्रमिकों के हितों की रक्षा की भी कानून असंगठित क्षेत्र में है पर वो भी क्या है, कमजोर है। याद रखिएगा कि श्रमिकों के हित के रक्षा के लिए भी बहुत सारे कानून बनाए हैं, लेकिन अगर आप असंगठित क्षेत्र में इन कानूनों को देखेंगे तो वो भी क्या है बच्चे, बहुत ही कमजोर है, और बाजार के कार्य के नियम और विनियम का पालन भी नहीं किया जाता। मैंने आपको बताया था कि बाजार के कार्यों के लिए कुछ नियम और विनियम होंगे, तो बच्चे उनका भी पालन क्या है, नहीं किया जाता, और उपभोक्ता को अपना महत्व समझने की जरूरत है। याद रखिएगा कि उपभोक्ता को अपने महत्व को भी समझने की क्या है, जरूरत है, और जब तक उपभोक्ता सक्रिय भागीदारी नहीं दिखाएंगे उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी नहीं हो सकता। इसका मतलब है बच्चे कि उपभोक्ता की सक्रिय भागीदारी से ही उपभोक्ता आंदोलन क्या होगा, प्रभावी हो सकता है। सभी बच्चे याद रखिएगा कि उपभोक्ता की सक्रियता से ही उपभोक्ता आंदोलन क्या हो सकता है, प्रभावी हो सकता है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो सब कुछ पढ़ो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।